राम राम जी। मैं आपका अपना गुलजार छानियाड़ा और आज एक जरूरी बात करनी थी आप सबसे। एक जो कैंपेन चलाई जा रही है मेरे खिलाफ बॉयकॉट गुलजार छानियाड़ा करके, मिशन लाड्डो करके, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। सारा का कहना है अभी गुलजार बाणा लाड्डो का कह रहे गाना में सेटिंग ने बतावा लाड्डो यो करे वो करे है। सबके अपने विचार हैं। कहीं कह भी बेटी ने लाड्डो कह जाए, कोई मानू कह जाए बेटी ने भी लाड्डो, मगर जब आप पता करोगे ना गूगल में भी पता करोगे तो प्यार था लाड में पली बड़ी लड़की ना लाड्डो गया जाए। अब मेरे भाई अगर मैंने फौजी भाइया खातर अगर मेडल निकालिया है, कन्या इज्जत निकालिया है, तो इतना तो सेंस मेरे में होगा। ठीक है भाई, लाडो किसने कहा जाए कड़ा कहना है। दूसरी बात, यो गाना आया मेरा 2019 में आया जुग जुग जीवे, उसमें लाडो वर्ड कहा मैंने, वो बम्पर हिट गया, सबना सुने हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह, यूपी में, उत्तराखंड में, हर जगह बज गया वो गाना। उसमें लाडो कहने लग रहा हूं मैं, किसी ने कुछ नहीं कहा ना किसी ने कोई आपत्ति हुई, क्योंकि सबने बेरा था। मैं उरा लाडो किस तरह कहने लग रहा हूं, बेटी दी कौन कहने ला रहा, प्यार ते पली बड़की कोई लड़की ने एक कहने ला रहा हूं लाडो, जुकर भाई ने और यार ने दोनों लाड लगे थे यहां पर नहीं, लाडो बेटी ने कहा जा है मानू इस बात ने मैं, पर प्यार ते पली बड़ी लड़की ने भी लाडो कहा जा है, कहा मैंने किसी ने कभी नहीं कहा। उसका बाद 2020 में आया मेरा भगत, उसमें भी लाडो कहा मैंने, था लाडो यार आले ब्याह में सैड सॉन्ग चल गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई लाइव नहीं आया, कुछ नहीं, बढ़िया 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 सुपर हिट गया गाना। 2021 में ही आठवां साल आया, उसमें मैंने लाडो कहा, किसी ने कभी नहीं कहा। अब उन गाना के 3 साल हो गए, 2 साल हो गए आए, अब जाकर लाइव आवे हैं, न्यू कहा तेने उन गाना में लाडो कहा था वो गलत है, तेने हरियाणा की माटी कूट दी गुलजार आ रहे तो धिकार हरियाणा पे हो वो फलाना दिमकाना। पहली बात तो मैं नहीं समझ आता ईब क्यों, पहले क्यों नहीं, इस पर पहले मेरे पे केस भी हो लिया और वो रद्द भी हो लिया, केस खारिज भी हो गया। तबे मैंने इससे पहले मेल भी आया था 1-2 राइटर का कि भाई ऐसे ऐसे हमें आपत्ति है इस चीज से, मैं उनकी बात ना समझा, मैंने कोई नहीं चलो आपत्ति हो है आप रहने देंगे, उसे खातर नागनी में फिर मैंने नहीं करे आगे आगे, तो मैं बोले चलो नहीं करांगे भाई आगे, तो इस वर्ड ने यूज कौन करांगे। पर तो मैंने देखा 45 किलो का सामान ही होके हरियाणा की सियान बना हुआ नहीं, एक अंकल है वो 45 किलो का गया घर, मैंने मेरे बाबू ने कहा था भाई बेटा जो समझानिया होगा ना वो या तो तने नाम लेके समझा दे, न्यू कर दे जो तने इस तरीके का कुत्ता कहेगा न्यू कह के समझाओ कने समझाओ भी कौन तेरा बारे में बोलेगा, सो समझ जाते था खार खावर गुंडी खावे है खार, उसने मतलब नहीं तो कुछ भी अच्छा कर ले वो तेरी टांग खिंचा खिंचेगा। फिर सिर्फ मैं क्यों, सारे कलाकार ने कितना कितने गुंडा बोल रखे है भाई, मन्ना कदे ढूंगा पे चोटी को नहीं लवाई। ठीक है, उसका बाद तारे कलाकारा के हैं भाई ये काम, ठीक है, उसका बाद इसे इसे शब्द बता दूंगा, लाल कुर्ती में बदन आर माल पटोले वे ना के तमन्ना का होना है, अगर तो तमने करना ही है बहुत बढ़िया बात है, करण लाग रहे हो तो, अगर हरियाणा की संस्कृति का बचाव करण लाग रहे हो बहुत बढ़िया बात है, मैं भी क्यों करना चाहिए। मैं भी शुरू में यही सोच का आया था कि उरा जो ये चीज चल रहा है ना इसे गाने बनाऊंगा जो परिवार का आगे देखे जा सके, इस खातर बच्चा बच्चा मेरे गाना में सुना है, उनमें कोई गंदा वर्ड नहीं होता कते ना कोई गंदी अश्लीलता दिखाता, मैं चाहे गाना मेरा पिट जाओ किमें हो जाओ मैं कदे भाई छोरी या किमें नहीं नचाया मैंने। उसका बाद फिर भी टारगेट मैं कोई बंदूक वाले गाने बनाए हैं तो टारगेट गुलजार, कोई लाडो कहते हैं तो टारगेट गुलजार, अगर अच्छा कहते हैं तो बाकी कलाकार, अबूरा कहते हैं तो गुलजार, इसका क्या मतलब है तुम इस बात का जवाब दे मैंने। पहली बात तो मैंने गलत लिखा नहीं, अगर लड्डो लिखा प्यार तो पहली बड़ी लड़की का रूप में उससे दिखाया, लोगों ने समझ भी आया, जिद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी ने भी
ऑब्जेक्शन आज तक नहीं उठाया इस बात का, क्योंकि सबने बेरा था मैं किस रूप में उसकी कहन ला रहा हूं। कई पेज आले हैं बना है, गालिब बना है हिंदी व्याकरण वाली मैडम ने, मैं बताऊंगा इनने न्यू कहा गुलजार ने यो कर दिया यहाँ पे सम्राट गुलजार स्वर सम्राट। भाई मैं स्वर सम्राट को न्या पहली बात ठीक है, मन तो लिखना भी को नहीं आंदा और बता ना मैंने गाना आंदा, पर मैंने अच्छा दिखाना आवा है लोगों की भाई, अच्छा क्यों कर दिखाना है, साफ सुथरा क्यों कर दिखाना है। थारे सिंगरा के इसी से बोल दिखा दूंगा मैं तमको न, अगर मेरे तीन हरियाणा तो बार फेंकल लाग रहे हो कहीं इसने बॉयकॉट करो यो करो, हरियाणा के ही कलाकार आगे मैं इसे बोल दिखा दूंगा, तुमने सुनकर शर्म आ जाएगी। मेरा कोई बोल ईशा नहीं, उसके बाद ट्रोल करे है मेरी बहन ने मेरी मां ने नू कहो तो बेबे का यार है थाना शर्म आई है रहा बात कहते हैं नी तम वे हो ना जो कन्या का टाइम सब ने सपोर्ट करया था और आज सारे न्यू कहने लग गए एकदम क्यों भाई के मना कर दिया मन किसी का, और मन ने क्यों कर दिया भाई किसी का माड़ा नहीं बताओ। मैं कदे कोई किमें भी हो जाओ मेरे के लिए इतनी इतनी चीजा हो ली मेरे के लिए भाई, आधी तो मैं बताई भी को नहीं आज तक ना मैं बतादा, और कई क्या कंट्रोवर्सी करके गाने चला हुए एक आधा शाम ही आके कह दो बात मेरे चाहे गोली चाली चाहे किमे भी होया मेरे सेती, मैंने उस पर गाना नहीं काटा कदे, अगर मैंने काटना होता मैं काट देता व्यूज लेकर साइड में होता, पर भाई मेरा वो सिस्टम ही नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सी करके मेरा गाना चलाऊं। ये बार बार मेरी टांग खींचा इस खातर मैंने बोलना पड़ा है, तंग होगा जब मेरी माँ बाणा पे बात आती है ना छोटू तो इन्ना को नहीं मैं एक पे एक क्या के बाद गुंडा केस बिठाऊंगा जिन जिन ने ये गाल काटी है ना, वह दिक्कत नहीं है। पहले सोचा करता मैं भाई सब की गुजारी इज्जत करता चाल क्यों करता चाल, मन देख ली सड़ा कोई मेल मिलाप नहीं रखता हरियाणा में, कोई कलाकार नहीं रखता सीधा मुंह पे कहूं मेरे तो नहीं भी रखता कोई, कोई दिक्कत नहीं ना रखो मन रखना भी नहीं कोई वो नहीं, सब एक दूसरे टांग खिंचन में लागे रहे हैं, अगर कोई बढ़िया भी करता दिखे कदे सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बात बताओ मैंने फार्मर गाना ये गाने बनाने की क्या जरूरत थी भाई, मेरा बढ़िया जद माफिया में चालन लग रहा था, अगर मैं संस्कृति की इतनी माटी कुटू हूं मैं तो 22-23 साल का सारा हूं भी आराम था, मैं तो आराम था डीजे का गाने काटे माफिया गाने काट के आराम था कर सकू हूं। फार्मर में मैंने जब रोन का सीन हुआ ना छह इतना जोर की तिल्ली मारी मैंने 6 दिन तक तो मैं बोल कौन पाया था, और उस पर कितने 30 मिलियन व्यू आए होंगे शायद, फिर भी मेरा न्यू है कि मैंने इज्जत खातर कराया है, वो हमेशा इज्जत खातर हरियाणा की और हर एक बाण बेटी की इज्जत रखी मैंने हर एक गाना में, कदे किसी थी बुरा कौन गया ईसा कौन गया भी लोग सुन के शर्मसार हो जाए, और लाडो वाला भी मैंने नागनी में था लड्डो वर्ड पर मैंने चेंज कराया, मैं बोला कोई नहीं चलो अगर यार समाज ने बुरा लगे मैं हरेक ने समझाने में कौन बैठ सकूं कोई दिक्कत नहीं है बुरा लगे चेंज कर दिया ही कर दिया। ये भी कैंपेन क्यों कर चल गई है, और जे संस्कृति का इतना बचाव रखना है ना लिस्ट बनाओ प्रोपर एक एक की, मेरा नाम चाहे सब तक ऊपर घेरो पर घेरो लिस्ट बनाओ, एक आधा करे भी था लिस्ट बनाया था मैंने पूछा भी था भाई साहब क्या दिक्कत होगी तब मेरा मेरा नाम लो क्या सबका होगा शुरुआत तुमसे किया आगाज आगे तक करेंगे ये करेंगे वो करेंगे भाई कि मैं नहीं कराया व्यू तो लेकर चैनल बनाकर साइड में हो गया, अरे ये चालन लग रहा है। मैं बस नहीं पूछना चाहूं भाई मैं क्यों हर बार मैं क्यों, और भी बहुत है मेरे तो बुंडा गांव है मेरे तो बहुत गणा बुंडा गांव है भाई गणा गंदा लिखनी भी है कई जो कह ना चल छोड़ भाई फायदा नहीं है, बाकी आप अंडर नहीं लाता किसी का भी आपकी मेहनत की खावा मेहनत का नाम बनाया जनता सारी जाना है मैंने कि किसा हूं मैं और किसा लिखा करूं, तुम खुद बताओ भाई कंपेन चलाने की क्या जरूरत थी इसमें, अगर इतना बुरा लागू था पहली बात तो अगर इतना गलत होता ना ये वर्ड तो ये पीछे केस हो जाता जिद्दे वो जीत जाता भाई सारे गाने उड़ जाते मेरे तो मैं तो केस भी जीत गया सारी चीजा हुई है, राजिए करे कापी भी दिखा दूंगा तेने
मेल भी आए हैं मेरे तो रहे तो इस बर्थडे खातर, अमन एक एक ती समझाया भी है, पर ये तो 45 किलो का सामान कह के कहना अंकल तेरा दौड़े आ रहे हैं इस खातर तेरा लिहाज करूं मैं, किमें नहीं कहता। सिंगर सारी त्रिया के आए हैं, तमने सब बेरा है, मैं जनता का कोई लुकमा को नहीं, सबना बेरा है, कौन ने किसने के लिख रखा है, अमने के लिख रखा है, सबना बेरा है, तो आगे तो इस चीज का ध्यान रखो। बाकी समाज ने अगर इस बात पर बुरा लग गया है लड्डू वाली बात है, तो आगे तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा है, आगे तक को नहीं होगा। अगर किसी की गरिमा ने ठेस पहुंची है या किसी की भावना ने ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं। कंपेन चलाने की जरूरत नहीं भाई, और एक ना पकड़ी आगे तो पेज वाले है ना हिंदी ग्रामर वाली मैडम, ध्यान है सबकी लिस्ट बनाओ सारे चाहिए थे ना, क्यों छोड़ो फिर है, एक एक की लिस्ट बनाओ ने जिस जिसने बोल रखा है। राम राम।